फंक्शंस आपने पढ़ ली है अब आपको एक बात बताता हूँ मजे की पाइथन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है यार ये तो वो फंक्शन थे ना जो आप डिफाइन करते हैं जस्ट इमेजिन बड़ी 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 बड़ी, बड़ी आपको करनी पड़े तो आप क्या फंक्शन सारे के सारे खुद लिखते फिरेंगे नहीं ना लिखते यानी कि जैसे आप एक्सल यूज करते हैं तो क्या आप मीन को या एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए खुद से सारे को जमा करके डिवाइडेड बाय नंबर कर रहे होते हैं या ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं ऑब्वियसली फंक्शन होते हैं ना एवरेज का फंक्शन हो गया सम का हो गया इस तरीके से इसी तरह पाइथन के अंदर लोगों के बनाए हुए बड़े बड़े फंक्शंस किसी एक कोड की फॉर्म में जब हमारे पास पहुंचते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स ठीक है ज्यादा जो मशहूर नाम है उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज अब लाइब्रेरीज को हम देखने वाले कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं लाइब्रेरी बेसिक बेसिकली लोगों की बड़ी बड़ी बनाई हुई कोड की फॉर्मेटिंग होती है जिसमें काफी फंक्शन ऑटोमेटिकली उसके अंदर पाए जाते हैं अब कुछ मशहूर जमाना लाइब्रेरीज में आपके सामने रखता हूं आपको फिर समझ आ जाएगी कि लाइब्रेरीज होती क्या है और उन्हें हम क्यों यूटिलाइज करते हैं और यकीन माने जिस बंदे को पाइथन पढ़ते हुए लाइब्रेरीज का नहीं पता आप यकीन माने वो वो बंदा पाइथन ना ही पढ़े तो बेहतर है तो कुछ और कर लो ठीक है तो सबसे पहली लाइब्रेरीज बड़ी मशहूर जमाना है दैट इज पांडास ये इसकी वेबसाइट है और ये वो वाला पांडा नहीं है जो पांडा आता है या वो वाला पांडा नहीं है जो नलायक पांडा होता है ये पांडास लाइब्रेरी है बाकायदा ठीक है और पांडास किस चीज की फुल एप्रीविएशन है वो बता सकता है पांडास की फुल फॉर्म क्या है ना ये फूड पांडा है बाय द वे एक और नया नाम पांडा आ गया थानू रोटी नहीं लिया देनी हाँ जी किसी को पता है चले नेट से चेक कर लीजिएगा और ये एक छोटी सी मैं क्ल्यू आपको दे देता हूँ बेसिकली uh, पैनल डेटा एनालिसिस को बोला जाता है आप देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से यूज होगी एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ पांडास ये लाइब्रेरी है ठीक है और मैं सिर्फ आपको इसकी ना पावर दिखाने लगा अबाउट अस पे मैं जाता हूँ गूगल से मैंने इसको निकाला है। अबाउट पांडाज और यहां पे टीम में जाता हूं मैं ये इतने लोगों के कोड्स दस दस आठ आठ बार बार बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल का एक्सपीरियंस उन्होंने फंक्शंस डिफाइन करके एक लाइब्रेरी के अंदर सेव किए हुए हैं ताकि आपको ना लिखने पड़े ठीक है इस वजह से मैंने बोला था आप ज्यादातर लोगों के फंक्शंस यूज करेंगे अपने नहीं बनाएंगे और ये लाइब्रेरी दुनिया में बहुत छाई हुई है अगर पाइथन छाया हुआ है तो पांडास भी छाई हुई है फॉर डेटा साइंटिस्ट अच्छा अब वेस्ट की जो बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने कल आपको लिंक भी दिखाया था वो बेसिकली इस पांडास को बड़ी डिटेल में वहां पे डिफाइन करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगाएं अगर ये तकरीबन 21 और 3 24 लोगों की सारी कंट्रीब्यूशन है इसके अलावा भी काफी लोग हैं ये बे, बेसिक टीम है तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे दो हजार वॉलेंटियस के, के करीब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी को बनाने में 2000 दुनिया के मजे हुए खिलाड़ी कोडिंग में ठीक है तो आप खुद सोचें इसमें कितने ज्यादा फंक्शन हो गए एक एक लाइब्रेरी के अंदर पहली चीज तो यह होगी दूसरी चीज कैसे आपने इसको यूज करना है गेटिंग स्टार्ट जाएंगे एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ पांडास ठीक है तीसरी चीज यह है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जाए तो यहां पे देख सकते हैं बाय द वे अगर मैं यहां से एक स्टेप पीछे जाऊं यहां पे ये बुक पड़ी हुई है जो मैंने आपको बताई थी थर्ड एडिशन फ्री में जो मैंने आपको सेंड किया जर्मनी बैठा हूं अगर आपके पास किसी के पास वो लिंक नहीं है तो आप इसका नाम कॉपी करें पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस सिंपली ये और साथ में पीडीएफ लिख दें आपको ऑनलाइन आ जाएगी ये बुक मैंने ऑलरेडी जो है वो सेंड भी की हुई है पिछले लेक्चर्स में और यहाँ पे पांडास को दस मिनट के अंदर उन्होंने गो थ्रू भी करवाया हुआ है ऑब्वियसली अंग्रेजी में है अगर आपको शौक हो इंग्लिश में सुनने का तो आप इनकी वीडियो ये देख सकते हैं और ये है जी पांडा की चीट शीट ठीक है ये ये ऑलरेडी मैंने सोर्सेज के के अंदर अंदर रख दी हुई है रिसोर्सेज बाय द वे यहां से आप ले सकते हैं ये पांडा की चीट शीट मैं अभी बड़ी डिटेल में नहीं जाने वाला आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पहले बता दू फिर आपने जाना होता है अच्छा अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाए सबसे बड़ी चीज ये होगी जब भी आप कभी लाइब्रेरी पे सर्च करेंगे या लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे प्लीज प्लीज मिन्नत डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िएगा वो लोग जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते ना वो फिर गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं यार ये कैसे करना है वो कैसे करना है फ्ला कैसे करना है फ्ला कैसे करना है ठीक है तो आपने पहला काम क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़नी है राइट और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहां पे गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर लें और यहां पे कंपैरिजन विद अदर टूल्स पे चले जाएं आपको फॉर एग्जांपल अगर स्प्रेडशीट का पता है तो उसका यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर एक्सेल में किसी चीज को वर्कशीट बोला जाता है यहाँ पे उसे डेटा फ्रेम कहा जाएगा कॉलम अगर वहां पे होगा यहाँ पे उसको सीरीज बोला जाएगा अगर रो है उसकी हेडिंग है तो यहाँ पे उसे इंडेक्स बोला जाता है अगर रो है तो यहाँ पे भी उसे रो ही बोला जाता है एक्सेल में अगर किसी चीज को एम्प्टी सेल बोला जाता है यहाँ पे उन्हें नैन बोला जाएगा नॉट अ नंबर ठीक है तो इस तरीके से आप इसको 10 मिनट के अंदर अंदर सीख सकते हैं जो लोग यह कहते है ना कि अपने लो बना आगे पढ़ा रहे हैं तो उनको मैं बार -बार इस बता रहा होता हूँ आपके सामने आ रही होती है वो एक फॉर्मली प्रिंटेड फॉर्म या आप ये कह लें कि जो दुनिया में टॉप नॉच पे लोग फॉलो करते हैं वहां से आ रही है ठीक है इंट्रो टू पांडा वट कांडल अलॉट ऑफ थिंग्स तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी का लिंक है कहां से लेना है आपने गूगल पर जाना है सिंपली आपने यहां की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी यहां तक क्लियर होगी बात को मसला मसाय नहीं होना चाहिए अब आगे चलते हैं आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है ये मेरे पास वी एस कोड पड़ा हुआ है ठीक है बाय द वे ये मेरे कोड बाहर पड़े हैं मैं चौक के अंदर लखना देर मैं भूल जाता हूँ सॉरी फॉर दैट तो एक ये पाइथन प्रैक्टिस के अंदर आ आज आपने क्या करना है ये टॉगल पैनल पे क्लिक करना कंट्रोल जे दबा के आपके पास यहां पे नीचे वाली साइड में एम एल आ जाएगा जिसमें हम सारा कुछ कर रहे हैं जो पहले दिन मैंने आपका एनवायरमेंट बनाया था ठीक है अब किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आप दो चीजें याद रखें सबसे पहली चीज जब भी आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी यू हैव टू राइट पी आई पी पिप ठीक है, दूसरी चीज आपने लिखनी है स्पेस इंस्टॉल एंड द थर्ड वन इज नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी तो पहली लाइब्रेरी कौन सी हम यूज करने वाले हैं पैंडास a n d a s. सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में अगर बड़े में आया तो हम देखेंगे इसको लिखने के बाद आपने एंटर दबाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगी खुद ब खुद एंड यू विल फील लाइक अ कोडर और प्रोग्रामर क्योंकि ऑटोमेटिकली आप अब चीजें कमांड लाइन टूल से इंस्टॉल कर रहे हैं ठीक है अगर आप लिनक्स या मैक यूजर हैं तो पिप थ्री लिखेंगे पी आई पी थ्री ठीक है तो फिर आप इंस्टॉल कर पाएंगे उनको यानी कि आप लिखेंगे पिप थ्री एंड देन इंस्टॉल और फिर लाइब्रेरी का नाम तो ये बेसिकली आपने पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है ठीक है अब ये तो एक लाइब्रेरी होगी पांडास मैंने आपको बता दी पांडास दूसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी कौन सी है मैंने आपको असाइनमेंट दी थी छोटी सी दूसरी लाइब्रेरी है नम पाई नुमेरिकल पाइथॉन ठीक है ये दूसरी लाइब्रेरी है आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल नम पाई ठीक है एंटर करते हैं. आप इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे सही है और ऑब्वियसली जब आप पांडास को इंस्टॉल करते हैं यूजुअली नम पाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और आपको यह कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड सही है अगर नहीं होगी तो आपने कर लेना इस तरीके से यह दूसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी थी तीसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिब मैट प्लॉट लिब एम ए टी पी एल एल ओ टी बी मैट प्लॉट लिब ये डेटा विजुलाइजेशन के लिए आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अभी मैट प्लॉट लिब अच्छा मैं इसी कमांड में एक और करना चाहता हूं साथ ही मैं बार बार नहीं लिखना चाहता तो उसका नाम है सी बॉन चौथी लाइब्रेरी का नाम है सी बॉन ये वाली डेटा विजुअलाइजेशन के लिए है ये तो मैं क्या करूंगा एक ही लाइन में मल्टीपल लाइब्रेरीज के नाम भी लिख सकता हूं मैं सी बॉन यहां पर आ गया दोनों को मैंने लिखा अब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे लड़े लड़े बगैर और हम किस एनवायरमेंट के अंदर इन्हें इंस्टॉल कर रहे हैं एमएल पाइथन वाले जो पहले दिन हमने बनाया था मसला तो नहीं है ना उसमें अगर आपके पास ये टर्मिनल ऐसे एमएल पाइथन वाला नहीं आ रहा तो आप इंस्टॉल ना कीजिएगा अभी दूसरा तरीका ये होगा आप मिनी कोंडा यहां से ओपन करें मिनी कोंडा के अंदर जाके यहां पे आप कोंडा एक्टिवेट एम एल अंडर स्कोर ई एन वी इसके अंदर जाए अब इसके अंदर आप इंस्टॉल कर लें लाइक दिस तो ये बेस्ट वे है अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस तरीके से हो जाएगी ठीक है जी तो ये हमारे पास पांडास की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है और हमारे पास मैटप्लॉटलिब प्लॉड एंड सीबॉन चार लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल हो गई यहां तक कोई मसला हो Easy है कोई इशू तो नहीं है एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है साई पाई एस सी आई पी वाई पाई क्यों है ये साइंटिफिक पाइथन यानी कि आपकी कंप्यूटेशन जिसके अंदर एल्गोरिथम और स्टेटिस्टिक्स यूज होती है वो साई पाई आपकी लाइब्रेरी है एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्टैट्स मॉडल्स ये स्टेटिस्टिक्स के लिए साइपाई एंड स्टैट्स मॉडल्स मैं इन दोनों को भी इंस्टॉल लो जनाब ये कुछ लाइब्रेरी मैंने अभी से आपको इस वजह से इंस्टॉल करवाई है ताकि आपको पता रहे कि हमने कुछ इंस्टॉल करना है एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स ठीक है ये सारी की सारी पाइथन की लाइब्रेरी भी हैं और कुछ इनकी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं सो डोंट नीड टू वरी अबाउट अब PIP से इसे लिखते जाएंगे ठीक है जी लाइब्रेरीज आपने लिख ली अब लाइब्रेरीज लिखने के बाद आप किस तरीके से चीजों को समझेंगे वी आर गोइंग टू सी दैट इन मिनट लेकिन उससे भी पहले आपको एक यूज में बता देता हूं लाइब्रेरी का क्योंकि बिल्ट इन भी कुछ मॉड्यूल्स भी होते हैं अब मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल लिख देता हूं अब यहां पे मैंने यहां पे जब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से करना है यहां पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट इंस्टॉल करने के बाद बाय द वे इंस्टॉल करने से पहले नहीं इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पांडास तो ये मेरे पास पांडास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी इसी तरीके से मैं एक और बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट मैथ ये मैथ इंस्टॉल हो गया तो ये लाइब्रेरी पूरी की पूरी इस तरीके से या मॉड्यूल पूरे का पूरा आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं अब अगर मैंने इस मैथ के मॉड्यूल में से सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है जिसको हम क्या बोलते हैं जजर बोलते हैं बाय द आई थिंक जजर बोलते हैं ना उर्दू में बिल्कुल जजर बोलते हैं उस स्क्वायर रूट को अगर लेना है तो हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं कैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ठीक है तो किसी ने ऑलरेडी स्क्वायर रूट का फंक्शन बना के मैथ में दिया हुआ है सो यू डोंट नीड टू राइट दिस अनदर फंक्शन ठीक है तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट फंक्शन डिफरेंट किस्म के कॉल्स कॉल कर, कर सकते हैं यहां पर आपके पास रूट आ गया अब आप इसको यूज कर सकते हैं कॉल कर लिया एस क्यू आर टी लिखे और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइन लेके आता हूं तो इसको मैं प्रिंट करता हूं यहां पे सॉरी प्रिंट नहीं मैंने किया प्रिंट एंड इसको मैं रन करता हूं ये मेरे पास तीन आंसर आ गया इसका सो दिस इज हाउ यू यूज द फंक्शन रिटर्न बाय अदर पीपल या पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन हैं। And this is how you can use the library. तो pandas को हम use करेंगे later on. अभी के लिए आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इस तरीके से आप import करते हैं दो चीजों को यानी कि आप पूरी की पूरी library को भी कर सकते हैं और एस को लैदा से भी अगर मैंने सिर्फ मैथ इंपोर्ट किया होता तो मैं sqrt आर टी कैसे यूज करता वो भी आपको यहां पर बता देता हूं मैथ और जैसे मैं डॉट लिखूंगा ना मैथ के जितने भी एट्रीब्यूट पे आ जाएंगे ये ये करें सारे सारे के फंक्शन सारे तो डॉट के बाद मैं एस क्यू आर टी लिखता तो मैं इस तरीके से sqrt आर टी को यूज कर सकता था लाइक दिस ठीक है और इसके पीछे अगर मैं प्रिंट लिख दूं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इज द सेम थिंग ये देखें सेम चीज है ठीक है सो इफ यू वॉन्ट टू गो लाइक दिस यू कैन डू इट अदरवाइज फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस क्यू आर टी इस तरीके से करें और यहां से आपका कोड जो है वो छोटा हो जाएगा यानी कि आप यहां पे मैथ को रिमूव कर देंगे फिर समथिंग लाइक दिस सो this is a nice way if you want to use single modules or single attributes and this is if you want to use the whole library like this or aap dot ke baad uske functions sare le aayenge yahan tak clear ho gaya aapko aap ek se zyada bhi cheezon ko import kar sakte hain yahan pe from math import sqrt square bhi kar sakte hain और इसके अलावा different functions भी कर सकते हैं for example log भी कर सकते हैं तो multiple attributes को भी आप comma लगा के लेके आ सकते हैं and this is how it works इन अब आने वाले दूसरे लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डिफरेंट करने का तरीका पता मैं कर देता हूं दोबारा से हम क्या करते हैं, pip install से install करते हैं pip और उसके बाद पांडास इस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं अगर हमने मल्टीपल करनी हो तो पिप इंस्टॉल नम पाई पांडास स्पेस के साथ लिखेंगे कॉमा के साथ नहीं स्पेस के साथ मैट प्लॉट लिप सी बॉन साइपाई एंड स्टैट्स मॉडल्स ये इस तरीके से हम लिखते हैं ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाती है ये विंडोज के लिए है लिनिक्स पे भी चल जाता है अगर आपका मैक है और टिप थ्री लिखेंगे आप अगर आपके पास मैक है ठीक है और आपने इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है इन साइड योर इन्वायरमेंट जो हमने स्टार्ट में देखे थे राइट जी और अगर आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं पांडास import नम पाई अच्छा मुझे एक और बात बताएं। यहां पे तो चलो ठीक है माना हमने import मैथ कर ली थी वट इफ ये पांडास बार बार मैं नहीं लिखना चाहता तो इसका कोई छोटा सा नाम ना रख दू मैं रख सकता हूं इसका नाम इसको कह देता इम्पोर्ट पांडासन राइट इट इम्पोर्ट नम पाई एज छन्नो छन्नो की आंख में वो वाली सो आई कैन गिव वट एवर नेम आई वॉन्ट टू डे टू गिव लेकिन मसला यह होगा कि अगर मैं अपने कोड को किसी अंग्रेज को दिखाऊंगा उसने कहना यह क्या मुद्दा छन्नो क्या है ठीक है सो ही डो अबाउट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल दैट इज इम्पोर्ट पांडा एज पी डी और इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी ठीक है तो जब फिर आप एनपी को यूज करेंगे नम पाई को यूज करेंगे बाई द वे आप स्क्र रूट नम से भी ले सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट करने के बाद एनपी डॉट डॉट लगाने से एनपी के सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे sqrt लिखता हूं तो तो ये numpy से मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो एक फंक्शन कई लाइब्रेरीज में भी होता है राइट right जी तो इस तरीके से नम्पाई का मैंने स्क्वायर रूट यूज कर लिया सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ लाइब्रेरी और इसको बोलते हैं लाइब्रेरी के एलियास इलियास लाइब्रेरी का इलियास तो लाइब्रेरी के एलियस इसे बोलते हैं एलियस क्या होते हैं कि बड़े नाम को छोटे नामों में डिफाइन कर देना और ये इंटरनेशनली रिक्नाइज है ये सारी चीजें हमारे पास अच्छे तरीके से हैं और हम इंटरनेशनल लेवल पे सीख रहे हैं इस वजह से पांडाज को हम मोदा नहीं कहेंगे और नम पाई को छन्नो नहीं बोलेंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट रीजन क्या है क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना काम करना है यहां तक किसी को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं अगर ज्यादा मसला है तो बाहर जाके घर वालों को बताएं कि आप पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो बंदा पढ़ रहा होता है घर वाले उसकी इज्जत करते हैं सालन भी एक्स्ट्रा दे देते हैं और एक आधी रोटी भी दे, दे देते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मेरी मम्मा तो रात को दूध का कप भी मुझे देती होती थी कि यार ये बच्चा पढ़ने वाला है ठीक है सो आप भी बता के अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे एंड वी आर टेकिंग ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स फ्रॉम नाउ